أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. तो हम जो है कैल्शियम के बारे में पढ़े थे. तो हमने जो है लास्ट क्लास में जो है ये हमारी कैल्शियम की प्रोडक्ट है. और हमने जो है इसमें जो हम जब हमारी जो क्लास शुरू हुई है इसमें हमने जो है कैल्शियम के कैल्शियम जो है एक बायो एलिमेंट है, हमारी बॉडी में पाई जाती है. तो इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्ट है टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, ये दुनिया में नंबर वन कैल्शियम प्रोडक्ट है. और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कैल्शियम के हमारी बॉडी में. और इसके अलावा जो है हम ये भी देखेंगे कि हम अपने आपको देख के मतलब हम ऐसी चीज़ें देख के ऐसे तरीके देख के अपनी बॉडी में ऐसी निशानियां देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो है बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या नहीं है. और फिर हमने जो है डिस्कस किया कि हम केस स्टडी भी करेंगे कि जितने भी हमने केस अभी तक सॉल्व किए जिनको कैल्शियम की कमी थी, हमने इनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए तो उनसे क्या हमें रिजल्ट आए. तो ये हमने साइकिल पढ़ा था कि किस तरह जो है हमारे बोन से कैल्शियम जो है वो ब्लड में जाती है. तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था. इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो है रिलीज होता है, जिससे ये नेचुरल प्रोसेस होता है और इससे जो है ब्लड से जो है बॉडी में कैल्शियम जाती है. तो अल्लाह ताला ने एक बैकअप प्लान भी रखा होता है इंसान की बॉडी में पहले थायराइड हार्मोन वाला. तो इससे क्या होता है कि जो बोन से जो कैल्शियम होती है ना वो ब्लड में जाती है. तो ब्लड में 1% कैल्शियम होना जरूरी होती है. इसके अलावा इसके बगैर जो इंसान जिंदा नहीं रह सकता. तो हमने ये पढ़ा था कि ये ब्लॉकेज किस तरह होती है कि जब ये जो बोन से जो है कैल्शियम के अलावा फॉस्फोरस मैग्नीशियम जिंक फैट जब जाते हैं तो यहाँ पे जो है ये ब्लॉकेज होती है और उसे जो है हमें स्टंट और बाईपास जो है मिटाते हैं. फिर जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी इससे जो है हमारी जो टांगे हैं यानी जो हमारी नीज हैं जो घुटने हैं वो बेंड हो जाते हैं बच्चों के जो है बेंड हो जाते हैं ओ शेप और एक्स शेप. इसको ये जो है एक्स शेप है और ये जो है ओ शेप है. तो इसमें जो है नीज जो है अपनी शेप में नहीं रहती, ठीक है. तो और इसमें क्या होता है अगर किसी बच्चे को कैल्शियम की कमी हो तो उसकी जो हाइट है वो छोटी रह जाती है. और इसके अलावा जो है हंचबैक यानी जो ऐसे बुजुर्ग आपने अक्सर देखे होंगे वो जो है झुक के चलते हैं स्टिक लेके, तो इनको जो है कैल्शियम की कमी होती है. फिर कमर में दर्द होना और टांगों में दर्द होना ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है. फिर जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये जो है कितनी ऊंची बिल्डिंग है, तो जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उतनी ही उसकी मजबूत बुनियाद होगी. तो हमारी बॉडी में भी जो है हमारे ढांचे है जिसको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, तो वो भी जो है हमारी बॉडी की बुनियाद है. उसके बगैर जो है हम खड़े नहीं हो सकते. तो जितनी मजबूत हमारी बुनियाद होगी उतनी स्ट्रांग हमारी इम्यूनिटी होगी, उतनी स्ट्रांग हमारी बॉडी होगी. और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर भी होती का बाइस भी है कैल्शियम डेफिशिएंसी. फिर इसके अलावा जो है जितने भी हार्ट से रिलेटेड मसले होते हैं उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी शामिल है. फिर डायबिटीज और शॉर्ट विजन यानी कमजोर नजर जो है उसमें भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी का रोल है. इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक जैम हो गई है, तो इंसान की बॉडी में भी जो है ट्रैफिक जैम हो जाती है जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं. तो क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा फैट्स जो है हमारे पेट या मुख्तलिफ जगहों पर जो है जमना शुरू होते हैं तो हम उसको सिंपल अल्फाज में ओबेसिटी कहते हैं, मोटापापन. तो क्या कैल्शियम का काम होता है, कैल्शियम जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जो है उस जगह तक पहुंचाता है. इसका ये काम होता है डाकिये का काम. ये डाकिये का काम करता है जहां पे जिंक की जरूरत है हमारी बॉडी में, जहां पे फास्फोरस की जरूरत है, जहां पे कैल्शियम, जहां पे प्रोटीन की जरूरत है. तो कैल्शियम जो है ये सर्विस देता है और अपनी जगह पे सारी चीजें पहुंचाता है. अगर जो है हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो उससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाएगी, उससे जो है हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, हमें मोटापापन का शिकार होगा. तो इसके अलावा हमने पढ़ा था कि WHO के मुताबिक जो है 109 बीमारियां जो है कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं. और ये वक्त के साथ साथ जो है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो है ये वक्त के साथ साथ जो है बढ़ती जा रही है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे टाइम्स की जो न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम पाउडर और सीजन है. तो ये जो है इसको हम कहते हैं कैल्शियम 3. ये जो है हमारी कंपनी ने 4 तरह की कैल्शियम प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई है. तो ये हर एज फैक्टर के लिए जो है मुख्तलिफ कैल्शियम लॉन्च की गई है. तो ये जो है बच्चों के लिए स्पेशली जो है बच्चों के लिए ये कैल्शियम प्रोडक्ट है. तो इसमें जो है ये जो इसका जो मकसद है इस प्रोडक्ट का, साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ऐसे न्यूट्रिएंट्स इसमें डालने कि बच्चों की जिससे जो है ग्रोथ हो सके, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके.
तो इसमें जो है इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो जिम्बोलिटिक बोन कैल्शियम है पाउडर, और ये जो है जिम्बोलिटिक बोन कैल्शियम जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जिंदा भैंस को जो है जिंदा गाय को जो है मंगोलियन काउ होती है जो -40 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह जाती है, तो वो मंगोलियन काउ को जो है वो मशीन के जरिए बायोटेक्नोलॉजी के जरिए उसकी जो होती है बैक बोन से जो है कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल हलाल तरीका है। और इसके अलावा फिर इसके लिए होल मिल्क पाउडर है, एग जॉक पाउडर है जिससे बच्चे को प्रोटीन मिलती है, इसके अलावा इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, इसके जितने भी टोराइन है, जिंक है, आयरन, इसके जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि इनका क्या हमारी बॉडी में रोल है। ये सब न्यूट्रिएंट्स किसके मदर मिल्क में होते हैं? जी जी, ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये टोराइन है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी, ये जो है मदर मिल्क में होते हैं। अल्लाह ताला ने जो है ये सारे न्यूट्रिएंट्स मदर के मिल्क में डालें ताकि जो है जो बच्चा है उसकी प्रॉपर नशोनुमा हो सके, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, उसका जो है आईक्यू लेवल बढ़ सके। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिएंट्स हैं और ये जो है बच्चों की इम्यूनिटी और इंटेलिजेंस और उनकी आई सेट के लिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो है इसमें 2:1 कैल्शियम है और 1:1 जो है फॉस्फोरस है। फिर जो है इसमें नॉन इरिटेंट डाले गए हैं, यानी ऐसे इरिटेंट डाले गए जिससे जो है हमें जो है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसमें जो है अक्सर जो मार्केटिंग जो प्रोडक्ट्स अक्सर जो मार्केटिंग जो कैल्शियम आती है वो कंज्यूम करके हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है जो पाथ है उसमें जो है इरिटेशन होती है, गुड़गुड़ का सामना होता है। तो उसमें ऐसी रिसर्च करके ऐसे इरिटेंट डाले गए जिससे हमें कोई पेट में मसला ना हो। तो इसके अलावा जो है इसके टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और अब जो है मैं आपको कितनी एजेस के बच्चों को दी जा सकती है? ये जो है जीरो जीरो से लेके 12-13 साल तक। अच्छा, मदर मिल्क है ना, इसको मदर मिल्क कहते हैं, कैल्शियम 3 को मदर मिल्क कहते हैं। अच्छा, जो टोराइन है जो उसका जो हमने जितने भी कंपोनेंट्स पढ़े थे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो टोराइन है वो क्या करता है कि बच्चे की ग्रोथ में फायदा बच्चे की ग्रोथ में उसका अहम किरदार है। फिर इसके अलावा जो है हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो टोराइन की वजह से डेवलप होता है। फिर इसके अलावा जो है आयरन है, आयरन से क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन की ऑक्सीजन है वो पूरी होती है। और जो जिंक है, जिंक क्या करता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है हमारी बॉडी में। और इसके अलावा जो है ये जो है जितने भी इंफॉर्मेशन नर्व के जरिए जो ट्रेवल करते हैं उसमें जिंक का बहुत अच्छा किरदार है। फिर इसके अलावा जो है जिंक जो है हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये जो है ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो बोन मैरो में, थाइमस और स्प्लीन में चलते हैं, तो इसमें जो है जिंक का अहम किरदार है। फिर जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम जो है हमारी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या करता है कैल्शियम, कैल्शियम जो है जो विजन होता है, जो हमारे रेटिना होता है उसको डेवलप करता है। और इसके अलावा जो जिन लोगों को नजर कमजोर होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो उनको जो है यकीनन कैल्शियम की कमी होती है। फिर इसके अलावा जो है इसमें विटामिन ए, जो हमने प्रोडक्ट पढ़ी कैल्शियम के लिए, इसमें विटामिन ए, तो जिन लोगों की आंखें खुश्क रहती हैं हमेशा और उनको नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार है, यानी कम रोशनी में जो है उनको नजर नहीं आता, मतलब धीमी अगर हल्की सी भी रोशनी हो तो उसमें जो है इंसान देख सकता है लेकिन उनको जो है नजर नहीं आता थोड़ी सी भी रोशनी हो, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। फिर विटामिन सी क्या करता है, ये जो है एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है इंसान के। और इसके अलावा जो है जो हमारे आंख में जो रेटिना होता है, रेटिना इसको कहते हैं, इसके अंदर जो है रेटिना प्रेजेंट होता है, तो ये जो है विटामिन सी जो है इस रेटिना को यूवी रेज से बचाता है, जो हमारी सन से जो यूवी रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, तो उसको जो है विटामिन सी जो है बचाता है रेटिना को। फिर इसके अलावा इसमें टोराइन है, टोराइन का एक और भी काम है, टोराइन जो है जितने भी नर्व कंडक्शन है आंखों से लेकर ब्रेन तक उसको इम्प्रूव करते हैं। फिर इसके अलावा जो है जो रेटिना बच्चे में जो रेटिना की डेवलपमेंट होती है उसमें भी टोराइन का अहम किरदार है। और फिर इसके अलावा जो है ये जो है विजुअल फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। और जिंक का क्या काम है हमारी आईसाइट में, जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं हमारे आंखों में, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं हमारी आंखों में और हमारे आई के टिश्यू में, हमारी आंखों के टिश्यू में, तो उसमें जो है जिंक का अहम किरदार है। तो इसके अलावा जो है हम अब पढ़ लेते हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो ये जो है मैं आपको एक एक करके सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो है हम बोन यानी हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एक बच्चे की जो हाइट है वो 70% जो है डिपेंड करती है उसके जो अम्मी होती हैं उससे डिपेंडेंट होती है, 70% जो है जीन्स पे डिपेंडेंट होती है। तो बाकी जो 30% है तो वो हम जो है अपनी मेहनत करके जो है अपने जो है वेल डन से जो है हाइट जो है ऊपर ग्रो कर सकते हैं। यानी फर्स्ट अगर फादर की हाइट 5 फुट है, 5'9" है और मदर की जो है 5 फुट है, तो जो बच्चा है वो जो है 30% उससे ऊपर हाइट जो है अपनी गेन कर सकते हैं, यानी 6'2", 6'3", 6'4" तो इस तरह जो है ये अपनी हाइट जो है गेन ग्रो कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है मेल में जो है ये मेल में जो स्पर्म पीरियड होता है, स्पर्म पीरियड में जो है सबसे ज्यादा जल्दी जो है बोन इंक्रीज करती है, जो स्केलेटन सिस्टम होता है सबसे ज्यादा जो हाइट जो गेन होती है स्केलेटन सिस्टम की, हमारे जो इंसान की बॉडी की सबसे ज्यादा हाइट जो गेन होती है उसको कहते हैं स्पर्म पीरियड। तो ये मेल में 11 से 13 ईयर्स तक होता है और फीमेल 9 से लेकर 11 ईयर्स तक जो है ये स्पर्म पीरियड होते हैं। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने सारे न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करें और इससे क्या होगा कि हमारी जो है हाइट जल्दी बढ़ेगी। मतलब बच्चों को 11 से 13 साल, बच्चियों को 9 से 11 न्यूट्रिएंट ज्यादा देने चाहिए। सही है। अच्छा, टीथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि 6 माह का जब बच्चा होता है, तो 6 माह का 6 मंथ्स का, तो क्या होता है कि उसके जो है दांत आना शुरू होते हैं, मतलब नजर आना शुरू होते हैं। फिर क्या होता है कि 2 से 3 साल तक जो है दांत मुकम्मल निकल मतलब ग्रो हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि 6 से लेकर 12 से 13 साल तक जो है दांत जो होते हैं वो गिर के एक नए परमानेंट टीथ आते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो गिर के जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आ जाते हैं, वो 12 से लेकर 13 साल तक आते हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए कि हमें जो है अपनी कैल्शियम पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी इस टाइम पीरियड के दरमियान, तो हमारे जो है जो दांत है वो टेढ़े मेढ़े ग्रो करेंगे और उसमें कैविटी का खतरा होगा। उसके अलावा जो है वो दांतों की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगी। फिर इसके अलावा इंटेलिजेंस पर बात कर लेते हैं। तो ब्रेन जो है हमारा जो इंसान का जो ब्रेन है वो 1350 ग्राम जो है 4 से 5 साल तक जो है वो बन जाता है। यानी 4 से 5 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उसका ब्रेन 1350 ग्राम तक बन चुका होता है। तो 17 साल तक जो क्या होता है, 17 साल तक जो है उसकी जो होती है ना इसको कह सकते हैं इंटेलिजेंस IQ वो डेवलप हो जाती है मुकम्मल। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी या किसी न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो जाहिर है कि इसका जो बच्चे का जो IQ वो भी कम होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम पीरियड में जो है हम अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान दें ताकि हमारा IQ अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। फिर इसके अलावा आईसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि 3 साल तक जो है 3 साल की उम्र तक मतलब 0 से लेकर 3 साल की उम्र तक जो है स्टीरियो डेवलप होता है। यानी जो हमारी जो आंख है वो अगर हम एक डायरेक्शन में देख रहे हैं आंखों से तो वो उसको कहते हैं स्टीरियो। कुछ आपने बच्चे देखे होंगे जिनकी जो है डायरेक्शन एक ही होती है, एक तरफ से हम इधर एक आंख इधर देखी होती है, एक आंख सीधी देखी होती है, तो इसको कहते हैं भेंगापन। तो ये क्यों होता है कि जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो इसे जो है भेंगापन होता है 3 साल तक ना, 3 साल तक जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर हो तो ये 3 साल तक जो है हमारा जो है स्टीरिया फुल जो है डेवलप हो जाता है। फिर इसके अलावा जो है इम्यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि 4 से लेकर 10 साल तक यानी ये 6 साल बनते हैं, 6 साल में जो है बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग मतलब डेवलप होती है जो उसकी पूरी जिंदगी चलनी होती है। अगर इस 6 साल में जो है हम इम्यूनिटी काम करें तो क्या होगा कि पूरी जिंदगी जो है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और हमें जो है हम बीमारियों के ज्यादा शिकार नहीं होंगे। बस ठीक है।